एक्टर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया स्वागत करता हूं। जिला पठानकोट के मुख्यालय में आज जिला कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया गया। वह उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेट्रोल डीजल के बिना वजह बढ़ते मूल्यों पर लगाम लगाने को कहा गया, अन्यथा एक लंबा संघर्ष केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध खोला जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रधान अनिल विज व भोआ से विधायक जोगिंदर पाल, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विनय महाजन व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित सिंह मंटू मौजूद थे। पेश है इस संबंधी हमारे सहयोगी विशाल मेहरा की एक रिपोर्ट। धरना साढ़े ऑल इंडिया के कांग्रेस के प्रधान श्री राहुल गांधी जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान जाखड़ साहब के दिशा निर्देश नाल साढ़े MLA साढ़े अहदेदार साढ़े चुनिंदा वर्कर पंच सरपंच साड़िया माता भैन सारे इकट्ठे हो गए कि पिछे जिहा 8,00,000 करोड़ का कपड़ा जिहड़ा सरकार मोदी सरकार ने इन्ने चिर विच कीता उहदे विच रोश स्वरूप ही है काम सारा इन्हां नूं दस रहे हां। ओह DC मैडम दे थ्रू मोदी सरकार अन्नी ते बोली नूं भेज रहे हां कि उहनां नूं चेतावनी दे रहे हां कि भद्दा मजाक बंद कर दिओ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री राहुल गांधी जी और साढ़े पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ जी, उन्होंने दिशा निर्देश के उत्ते जो अच्छ पूरे पंजाब के हर एक जिले के वक्त जिलों के अपने DC दफ्तर के अगे जो धरने लगाए गए हैं वो जो मेन जो इशू से वो है कि जो सेंटर सरकार की तरफों लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जो साढ़े गरीब किसान मजदूर ट्रांसपोर्टर वो एक गरीबी की रेखा के उत्ते उतर आया और देश के दे बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और यही साड़ी मेन मंशा सी भी जो अपने DC दफ्तर के थ्रू मोदी सरकार के जो कन्ना तक आवाज़ पहुँचाई जाए।